जय माता दी दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप मजे में होंगे मैं आप लोगों पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे तो दोस्तों अभी आपने प्रीव्यू वीडियो देखा तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने मनपसंद सॉन्ग मनपसंद मॉडल इमेज यूज़ करके मतलब मैया का जो इमेज है यहाँ पे आप अपना इमेज भी एडजस्ट कर सकते हैं मैंने नहीं किया बट आप कर सकते हैं मैं बता दूंगा कैसे करना है तो इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाना चाहे तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स इसका जो प्रीसेट लिंक है आपको मेरे वेबसाइट पर मिलेगा वेबसाइट से कैसे विजिट करना है वेबसाइट पर और कैसे इम्पोर्ट करना है ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताया जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप पहले भी देख चुके तो आपको पता ही होगा वेबसाइट पर कैसे जाना है और किस तरह से डाउनलोड करना है मटेरियल को तो आप इसलिए डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे और भी काफ़ी सारे वीडियोज हैं एक बार विजिट करके आप देख लीजिएगा आपको और भी मटेरियल्स मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस एडिटिंग के लिए हमें यूज करना है लाइट मोशन अपल्लीकेशन को तो फ्रेंड्स लाइट मोशन अप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा और फ्रेंड्स ये एडिटिंग अगर आपको पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों जो प्रोजेक्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया जब उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं दो ठो मैंने कर लिया इसका एक ठो डुप्लीकेट कर लिया ताकि आपको भी प्रोवाइड कर सकूँ तो मैं इसमें से एक

ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो ट्रांसपिंट किया हुआ है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी इसे बस रिप्लेस आपको कर लेना है करने के बाद अभी के लिए इसे मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें और जो एडिटिंग करना है तो जब हम दूसरे किसी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर यह हाइड हो जाता है तो इसके लिए मैंने बोले हाइड कर दिया ठीक है देन ऊपर में जो ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं इसे भी मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमारा वीडियो जो मॉडल इमेज जो है वो अच्छे से दिखे अब ये वाला जो ऑप्शन देख हैं इस पर क्लिक कीजिएगा इसे इस तरह से ओपन कर दीजिएगा ये कैमरा आइकन को तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे आप देख सकते हैं मैया का पूरा पिक्चर जो यहाँ पे इमेज जो है अच्छे आ जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है मैया का जो पिक्चर है ये सबसे नीचे में आपको दिख रहा है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है कलर एंड फील्ड का जो ऑप्शन है इस पर टैप कर लीजिएगा टैप करने के बाद यहाँ पे फोटो रूम जो लिखा हुआ है तो इस पर आपको टैप कर देना है जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा अब आपको एक मैया का फोटो यहाँ पर ले लेना है तो जो भी फोटो आप लेना चाहते हो उस फोटो को ले लीजिएगा जैसे पहले से वहाँ पर दूसरा एक फोटो लगा हुआ था अभी के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरा कोई इमेज लगाकर आपको दिखाता हूँ ठीक है तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे इमेज है तो मैं इसमें से तब तक के लिए एक एक्टो इमेज को ले लेता हूँ जैसे मैंने इस वाले इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट किया देन प्लस कर देंगे अब इमेज यहाँ पे आ गया बस हमें इसे एडजस्ट करना होगा ताकि अच्छे से यहाँ पे दिखे उसके लिए यहाँ से एक बार बैक आते हैं देन आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और जहाँ परफेक्ट इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पे हमें इस इमेज को एडजस्ट करना है तो कैसे एडजस्ट करेंगे मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा इसे मैं स्क्रॉल करके एक बार पूरा चेक कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए इस तरह से तो इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं मूवे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे जूम वाले ऑप्शन पे जाकर इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे इस तरह से देन इसे यहाँ से मूव करके और यहाँ पे रख लेते हैं परफेक्ट यहाँ पे अब इसके स्टार्टिंग में अगर हम प्ले करके एक बार देखते हैं सही आ रहा है या नहीं तो ये सही लग रहा है बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज्यादा है तो इसे हमें एडजस्ट करना होगा तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा ऊपर जो कैमरा का आइकन आ रहा है तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा ये वाला जो कैमरा आइकन है इसे सेलेक्ट करना है उससे पहले दोनों को अनहाइड कर दीजिए और फिर यहाँ से ये प्ले होगा तो प्ले करके आपको देखना है कि नेक्स्ट बीट जहाँ पे लगा हुआ है वहां तक ये कहाँ पे जा रहा है ये कॉर्फ जो लगा हुआ है तो ये कहाँ तक आ रहा है तो इस तरह से परफेक्ट जूम हो रहा है बस मूव एटा समझ रहेगा और अपने इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा तो यहाँ पे फेस हमारा जो मॉडल का अच्छे से दिखना चाहिए तो इस तरह से इतना पे रख लेते हैं देन नेक्स्ट वाले पे जाएंगे नेक्स्ट वाले पे आपको देख लेना है कि यहाँ पे सही लग रहा है आपको या नहीं तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दीजिए तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ फिर नेक्स्ट वाले बीट पर आ जाइएगा और यहाँ पर भी आने के बाद आपको एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर भी आपको रखना हो उतना पे कर लीजिएगा तो यहाँ पर मैं इतना पे ही रहने देता हूँ जो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देख सकते इस तरह से ये परफेक्ट इस तरह से जाएगा यहाँ पे इस तरह से आप इसे जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी इसे रखना हो रख लीजिएगा देन फिर नेक्स्ट वाले पे आइएगा यहाँ पे ये यह वाला और यहाँ पे पिकऑक जो है तो पिकऑप पे यहाँ पे मैंने जूम किया था इसे तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कहाँ पर रखना है तो थोड़ा सा मैं इधर एडजस्ट करता हूँ पिक पे अच्छे तरह से तो यहाँ पे ये अब सही है अब इसके नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये यह जूम हो रहा है तो इस जेड वाले पे जाएंगे और इसे आप जितना जूम करना चाहे अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा तो मैं इतना रहने दे तो ये फर्स्ट वाले पे यहाँ पे था फर्स्ट वाले पे थोड़ा जूम आउट करते हैं देन ए वाले ऑप्शन टैप करके मैया को इस साइड में लेकर आते हैं सेकेंड वाले पे पिकऑप पे था फर्स्ट वाले पर मैया पे ही रहेगा यहाँ पर ठीक है तो अभी इधर से प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते इस तरह से यहाँ पे आया फिर पिकअप पे गया इसके बाद आगे की तरफ फिर से जूम होगा बैक में ज़ूम आउट होगा देने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट है बस मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करना चाहें अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग तो एडजस्ट कर सकते हैं बाकी सारी रीडिंग करी हुई है अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स अपना सॉन्ग ले लेना है तो उसके लिए स्टार्टिंग में आ जाइएगा देन प्लस के उन पर क्लिक कीजिए ऑडियो में जाइएगा और मैया का जो भी स्टेटस पे मतलब सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस सॉन्ग को ले लीजिए तो मैं तो तक के लिए मैं तब तक के लिए सॉन्ग को ऐड कर लिया और फिर सॉन्ग जो है मेरा पच्चीस सेकेंड तक का ही और मेरा स्टेटस है ट्वेंटी सेवन सेकेंड तक का तो आप जो भी सॉन्ग लीजिएगा तीस सेकेंड तक का लीजिएगा जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स स्टेटस बन चुका है जैसा आपने पीडिव्यू में देखा है एकदम तो फिफ्ट तो बन कर तैयार है ठीक है फ्रेंड्स तो स्टेटस बनकर तैयार है इस वीडियो को सिंपली आपको सेव करना है यहाँ पे आप अपना मॉडल इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी ऐड कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या कर लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये वाला पिक्चर है इसी पिक्चर का एक्ट्रो तो डुप्लीकेट कर लीजिएगा मैं थोड़ा आगे करके दिखाता हूँ आपको इसी का एक्ट्रो तो डुप्लीकेट कर लेते हैं डुप्लीकेट करने के बाद ये वाला वीडियो को तब तक के लिए हाइड करते हैं और फिर डुप्लीकेट वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मुगे ट्रांसफॉर्म में जाना है ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे आपको इस तरह से आगे की तरफ लिक कराना है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया देन जूम वाले जाकर इसे जूम आउट कर लीजिएगा थोड़ा सा इस तरह से और यहाँ पे थोड़ा और कर लेते हैं परफेक्ट देन इसे आप नीचे की तरफ जहाँ पे भी ऐड करना चाहते हो वहाँ पे कर लीजिए तो मैं इतना पे रखता हूँ तब तक के लिए देन तो ऐसे बैक आएंगे कलर एंड फिल पे जाएंगे और ये वाली ऑप्शन टैप कर लेंगे टैप करने के बाद यहाँ पे एक मॉडल इमेज आपको ले लेना जो भी इमेज लगाना चाहते हो तो चलिए तब तक के लिए मैं इसी इमेज को यहाँ पर ले लेता हूँ जब इमेज मैंने यहाँ पर ले लिया तो इसे एडजस्ट करने की जरूरत है तो उसके लिए क्या किया जब मूव एटा सॉम में जाकर थोड़ा सा ऊपर करते हैं देने इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से तो कर लिए इसके बाद आपको क्या है इसे एडिट शेप में जाकर हाइट वेट एडजस्ट कर लेना और परफेक्ट है अभी इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे ये थोड़ा सा हवा में आ रहा है यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं थोड़ा सा हवा में आ रहा है तो आप चाहे तो उसके नीचे पैर के नीचे यहाँ पे फ्लावर भी लगा सकते हैं जैसे जिससे ये दिखाई ना दे या फिर इसे जूम भी कर सकते हैं तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए मैं रहने देता हूँ देन इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है सेव कर लेने के लिए ऊपर जो है देख सकते इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करने बाद बात एक्सपर्ट पर क्लिक कर दीजिए वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी दोस्तों उम्मीद करता दो वीडियो आपको पसंद आई होगी सो ये वीडियो पसंद आई या नहीं वीडियो कैसे बताइएगा मेरे अकॉर्डिंग तो एडिटिंग काफ़ी कमाल की हुई है इस तरह के थ्रेड इफेक्ट अभी तक तो मैंने नहीं देखा अपने अगर देखा हो तो मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा थोड़ा सा मैं भी कुछ सीख लूंगा और आपके लिए और भी अट्रैक्टिव लेकर आऊँगा तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए इस कमेंट से क्या होता है फ्रेंड्स पता है आप अगर यहां पर कमेंट करते हैं कि आपको किस टॉपिक पर ट्यूटोरियल चाहिए तो जब उस टॉपिक को कोई सर्च करता है तो ये वीडियो भी उन्हें सजेस्ट में जाएगी तो इसलिए आप लोग प्लीज कमेंट किया कीजिए कुछ भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए कुछ भी पूछना हो तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पूछ सकते हैं तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों इसी तरह के थ्री डिफेक्ट वाली और भी एडिटिंग आप सीखना चाहते हैं करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में